टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला रविवार को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच खेला गया। इस रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर दूसरी बार टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने नाम कर ली। इस कम स्कोर वाले मैच में पाकिस्तान की टीम ने आखिर तक हार नहीं मानी। अगर पाकिस्तान की गेंदबाजी के समय शाहीन शाह अफरीदी चोटिल नहीं होते तो शायद इस मैच में हमें और रोमांच देखने को मिलता। लेकिन चोटिल होने के बाद भी शाहीन गेंदबाजी करने आए और उन्होंने एक गेंद फेंकी, जिसके बाद वो पवेलियन वापस लौट गए। बाबर आजम के इस फैसले से सभी हैरान हैं। वहीं इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन भी उनके इस फैसले से नाखुश नजर आए। दरअसल टी20 वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल में शुरुआती 2 अच्छे ओवर डालने के बाद शाहीन अफरीदी को कप्तान बाबर ने आखिरी के लिए रोक रखा था, लेकिन 13वें ओवर की तीसरी गेंद पर हैरी ब्रूक का कैच पकड़ते हुए शाहीन अफरीदी चोटिल हो गए, जबकि अफरीदी ने हैरी ब्रूक का कैच तो पकड़ लिया लेकिन इससे पकड़ते हुए उनका घुटना मुड़ गया। अफरीदी एशिया कप से भी इसी चोट के चलते बाहर हुए थे, जिसके बाद उन्हें इंग्लैंड जाकर अपना इलाज करवाना पड़ा था। चोट से उबरने के बाद ही अफरीदी की टी20 वर्ल्ड कप में वापसी हुई थी। टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में अफरीदी जब 16वां ओवर करने आए तो वो सिर्फ एक ही गेंद फेंक सके और उन्हें मुंह लटकाकर मैदान से बाहर जाना पड़ा। चोटिल होने के बाद भी 16वें ओवर में गेंदबाजी करने का फैसला खुद अफरीदी का था या फिर टीम मैनेजमेंट का, क्योंकि अपने सबसे अच्छे गेंदबाज के करियर से खिलवाड़ करना सही नहीं, क्योंकि चोट के साथ खेलना किसी भी खिलाड़ी के लिए आसान नहीं होता, खासकर एक तेज गेंदबाज के लिए। जबकि अफरीदी चोटिल होने के बाद भी मैदान पर दिखे और उन्होंने गेंदबाजी की, जिसे देख इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज नासिर हुसैन काफी नाराज नजर आए। मैच के बाद नासिर हुसैन ने कहा कि भले ही टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच था, लेकिन आप किसी की जान से खिलवाड़ नहीं कर सकते। नासिर हुसैन ने कहा, समझ लो विश्व कप फाइनल है, लेकिन किसी युवा के करियर को जोखिम में नहीं डाल सकते। तेज गेंदबाज खरे सोने की तरह होते हैं। शाहीन के तीसरे ओवर को इफ्तिखार अहमद ने पूरा किया, जो मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, क्योंकि उन्होंने पहली 3 गेंदों पर 3 रन दिए थे और अगली 2 गेंदों पर 1 चौका और 1 छक्का खाया था, जिसके बाद पूरा मैच इंग्लैंड की पकड़ में आ गया और इंग्लैंड ने इस मैच को जीतकर टी20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब अपने नाम कर लिया। इस मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान की टीम ने 8 विकेट खोकर 137 रन बनाए, जिसके जवाब में इंग्लैंड की टीम ने 5 विकेट खोकर लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया।